नमस्कार मिथिलांचल, मैं हूँ राजू इंजीनियर। आशा करते हैं आप लोग इस लॉकडाउन में घर में होंगे और सुरक्षित होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे मैट डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, लॉकडाउन से पहले क्लास में हमने करवा दिया था और इस लॉकडाउन में हम डिटर्मिनेंट पढ़ा रहे थे। डिटर्मिनेंट में हमने पढ़ा माइनर, कोफैक्टर, फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, फिर थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, और अब पिछला क्लास में पढ़ा था एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। इतना हमने कर लिया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बिहार बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन अगर इस यहाँ से आए तो 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म बोले तो SLE, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आप लोग बताइए इसमें से कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पढ़ें, बंद कीजिए उसको। अगर हम क्लास टेंथ की बात करें तो बच्चा जानता होगा क्लास टेंथ में लुप्तीकरण विधि या विलुप्तीकरण विधि, x + y = 4, x - y = 2, x और y का मान निकालना है। तो कैसे बनाएंगे इसको सर? हर एक बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है। 10वीं क्लास में पढ़े होंगे आप लोग लुप्तीकरण विधि या विलुप्तीकरण विधि, y से y कैंसिल सर, x + x 2x, 4 + 2 = 6, 2 + 6 = 3, और समीकरण 1 में x का मान पुट कर देंगे तो किसका मान निकल जाएगा y का, x + y = 4, x का मान कितना है 3 + y = 4, इसीलिए y = 4 - 3 = 1। सर ये तो कुछ नहीं है, तुरंत इसको खटखटा देंगे। दूसरा वेराइटीज अगर ऐसा सवाल रहेगा, आपको सॉल्व करना रहेगा x + y = 2 और 2x + 2y = 4, x और y का मान निकालना है। तो कैसे बनाएंगे? समीकरण 1 यह हो गया, समीकरण 2 यह हो गया, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे। क्यों करेंगे? ये लुप्तीकरण विधि का बच्चा जानता होगा। इधर y का गुणांक 1 है तो 1 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 2x + 2y = 4, इधर हो जाएगा 2x + 2y = 4। अब इसको क्या कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये खाट खूट। क्या देख रहे हैं? जिसका मान निकालना था वही ख़त्म हो गया, एक्स और वाई का मान निकालना था और वही ख़त्म हो गया, तो हम किसका मान निकालेंगे? इसमें सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। और इसमें क्या देख रहे हैं, एक्स का मान 3 आया, वाई का मान 1 आया, मतलब एक्स का मान 1 और वाई के मान 1, तो यूनिक सॉल्यूशन, 1 हल आया। तीसरा वेराइटी देखिए आप लोग, x + y = 4, अब बक्सा बनाइए x और y का, तो ऐसा लाखों करोड़ों वैल्यू होंगे x और y का जो x + y = 4 को सेटिस्फाइड करेगा, लाखों करोड़ों वैल्यू। जैसे 1 लेंगे तो 4, 1 लेंगे तो 3, और 3 लेंगे तो 1, 2 लेंगे तो 2, -1 लेंगे तो 5, ऐसा अरबों खरबों वैल्यू होंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा, 10वीं क्लास में x और y का मान निकालना होता है लुप्तीकरण या विलुप्तीकरण विधि से, इस समीकरण को सॉल्व करना होता तो तुरंत सॉल्व कर लेते। पहला टाइप यह देखा कि इसमें x का मान 1 निकलेगा, y का मान भी 1 निकलेगा। दूसरा टाइप देखा कि x और y का मान 1 नहीं निकलेगा।
तीसरा टाइप देखा कि एक्स और वाई का मान बहुत ही निकलेगा, अनंत निकलेगा। तो हमारा तीन वेराइटीज है यहाँ से कि एक्स और वाई का मान एगो निकलेगा, और यहाँ एक्स और वाई का मान एको गो नहीं निकलेगा, और यहाँ एक्स और वाई का मान अनंत निकलेगा। इसका मतलब यहाँ जिसका मान एगो निकलेगा उसको बोलते हैं दसवां क्लास में अविरोधी समीकरण, जिसका मान एको गो नहीं निकलेगा वो अविरोधी समीकरण, और जिसका मान बहुते निकलेगा वो होगा आश्रित समीकरण। सर ये सब तो पढ़े हैं दसवां क्लास में, चलिए एकदम जीरो से पढ़ाएंगे और पूरा अपर लेवल तक ले जाएंगे, अपर लेवल तक ले जाएंगे। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है कि अब ट्वेल्थ क्लास में ये सर क्यों पढ़ा रहे हैं, इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि दसवां क्लास में इसे लुप्तीकरण विधि से बनाते थे, और ट्वेल्थ क्लास में कहेगा कि इसी सवाल को आप मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का यूज करके बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे देखेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ, छाप लीजिए इसको पहले। चलिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जाने। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जानने से पहले आपको हम एक थ्योरी पढ़ा रहे हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसका डिटरमिनेंट कितना के बराबर होगा, जीरो के बराबर। एक दो तीन छः, इसका डिटरमिनेंट ए एक इसका डिटरमिनेंट निकालना क्या होगा, छः एकम छः, दो ऑर्डर का डिटरमिनेंट सिखाए थे, पहले ये कोना कानी गुना करेंगे और माइनस फिर ये कोना कानी गुना करेंगे, तो दो को तीन से गुना करेंगे तो छः, को एक से गुना करेंगे तो छः, और दो को तीन से गुना करेंगे तो छः, छः में से छः गया तो भंडूस बम हो जाएगा, जितना रुपया कमाता है उतना रुपया कमाता है, एको रुपया नहीं कमाएगा। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट कितना के बराबर होगा, जीरो के बराबर। एक मैट्रिक्स था एक दो तीन चार, एक दो तीन छः, हमने क्या निकाला, उसका डिटरमिनेंट जो कितना के बराबर आ गया, जीरो के बराबर, इसीलिए एक क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसका डिटरमिनेंट कितना के बराबर होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। एक मैट्रिक्स है एक दो तीन चार, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक दो तीन चार, तो एक को कितना से गुना कर लेंगे, चार से, माइनस दो को कितना से गुना कर लेंगे, तीन से, एक को चार से गुना करेंगे तो चार, दो को तीन से गुना करेंगे तो छः, चार में से छः गया तो माइनस दो, जो कि जीरो के बराबर नहीं है। तो हमने क्या क्या चीज़ सीखा, पहला देखा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो चीज़, पहला बताया सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब जिसका डिटरमिनेंट कितना के बराबर होगा, जीरो के बराबर। दूसरा हमने पढ़ाया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसका डिटरमिनेंट जीरो के बराबर नहीं होगा। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे का कहानी देखेंगे। ऐसे ही चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, गौर से देखिएगा इसको, हमारा चैप्टर से पहले जो थ्योरी होता है वो थ्योरी बता रहे हैं। ये हमारे पास में तीन समीकरण हैं, a1x plus b1y plus c1z बराबर d1, a2x plus b2y plus c2z बराबर d2, a3x plus b3y plus c3z बराबर d3। तो हम a एक ऐसे a को ऐसा मैट्रिक्स कहेंगे जो x, y, z का गुणांक से मिलकर बना हो। तो यहाँ x का गुणांक क्या है, a1, y का गुणांक क्या है, b1, तो ए वन बी वन सी वन, फिर क्या हो जाएगा, ए टू बी टू सी टू, और फिर क्या हो जाएगा, ए थ्री बी थ्री सी थ्री। और दूसरा एक मैट्रिक्स लेंगे एक्स, बड़का एक्स है, बड़का एक्स उसको बोलेंगे जिसका जिसका मान निकालना है। तो किसका मान निकालना है, एक्स वाई जेड, तो इसमें लिखेंगे एक्स वाई जेड।
अब बराबर के उस तरफ जो भी नंबर रहेगा उसको कहेंगे बी मैट्रिक्स, और बराबर के उस तरफ क्या है डी वन डी टू डी थ्री। क्या देखें, हमारे पास में तीन समीकरण था, समीकरण में एक्स वाई जेड का जो गुणांक है उसको बड़का ए, जिसका मान निकालना है उसको बड़का एक्स, किसका किसका मान निकालना है, एक्स का स्मॉल एक्स का स्मॉल वाई का स्मॉल जेड का, तो इसको बड़का एक्स में लिख लिए। बराबर के उस तरफ जो है उसको कहेंगे बड़का बी। गौर से देखिएगा, इस अगर ए को एक्स से गुणा कर देंगे तो यह बी के बराबर हो जाएगा, ए को एक्स से गुणा करेंगे तो यह बी के बराबर हो जाएगा। अब इसमें क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, ए इनवर्स से दोनों तरफ गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ए एक्स गुने ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स गुने बी। तो अगर ठीक से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए गुने ए इनवर्स, अब फिर क्या हो जाएगा एक्स बराबर ए इनवर्स गुने बी। अब बच्चा बच्चा जानता है पाँच को एक बट्टे पाँच से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा वन, सुल्टा को उल्टा के साथ गुना करेंगे तो वन, उसी तरह ए तो सुल्टा है ए इनवर्स इसका उल्टा है तो यह भी किसके बराबर होगा वन, तो वन तो मैट्रिक्स में नहीं होता है तो वन को कौन मैट्रिक्स कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स को किससे जुनिट करते हैं आई से, तो ए को ए इनवर्स से जब गुना किया तो कितना के बराबर हो जाएगा आई के बराबर, तो यह हो गया आई के बराबर। अब इधर क्या बच जाएगा एक्स, आई गुने एक्स बराबर ए इनवर्स गुने बी। अब बताइए आप लोग, बच्चा बच्चा जानता होगा सर पाँच को एक से गुना करेंगे तो हम बताएंगे, एक को पाँच से गुना करेंगे तो हम बताएंगे, एक को पाँच से गुना करो या पाँच को एक से गुना करो कितना हो जाएगा पाँच, उसी तरह एक को आई से गुना करो या आई को ए से गुना करो कितना के बराबर हो जाएगा ए। तो यहाँ क्या है, आई को कितना से गुना किए हैं एक्स से, अगर ए को आई से गुना किए आई को ए से गुना किए तो कितना ए, अगर आई को एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स, एक्स बराबर ए इनवर्स गुने बी। यही हमारा फाइनली डेरिवेशन फार्मूला आ गया कि अगर तीन ऑर्डर का इक्वेशन होगा और एक्स वाई जेड का मान निकालना है, चाहे दो ऑर्डर का इक्वेशन होगा एक्स वाई जेड का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पहले एगो बक्सा बनाएंगे, उस बक्सा में किसका मान निकालेंगे ए का, एक का वैल्यू क्या क्या होता है स्मॉल एक्स का गुणांक स्मॉल वाई का गुणांक स्मॉल जेड का गुणांक को क्या बोलेंगे बड़का ए, और बड़का एक्स किसको बोलेंगे जिसका जिसका मान निकालना है, बड़का बी किसको बोलेंगे बराबर के उस तरफ जो रहेगा उसको बड़का बी कहेंगे। और फार्मूला यहां से क्या हो गया, दोनों तरफ पहले ए इनवर्स से गुना कर दिए तो फार्मूला आ गया एक्स बराबर ए इनवर्स गुने बी। एक्स का तो वैल्यू हम लोग जानते हैं गुरु जी, बी का भी वैल्यू जानते हैं गुरु जी, इनवर्स नहीं जानते हैं, काट देंगे, पिछला ही क्लास में पढ़ाए थे कि ए इनवर्स का मान कैसे निकालेंगे, तो ए इनवर्स बराबर पिछला क्लास में क्या पढ़ाए थे एडजॉइंट ऑफ ए अबाउट ए डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहां से एगो बात याद रखना है, नीचे वाला जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे वाला जीरो के बराबर होगा तो बिल्डिंग के नीचा में बम, तो बिल्डिंग नॉट खत्म, बिल्डिंग खत्म कब होगा जब बिल्डिंग के ऊपर में बम रहेगा तो बिल्डिंग हो जाएगा खत्म। तो ये इनवर्स का मान, ए इनवर्स का मान तभी संभव होगा जब उसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ एक्स वाई जेड का मान तभी ही निकाल सकते हैं जब उसका डिटर्मिनेंट का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर आ गया तो उसका वैल्यू
कैन नॉट बी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो हम लोग क्या क्या चीज़ सीखे चला इस चैप्टर में, सबसे पहले देखें कि अगर दो ऑर्डर का चाहे दो ऑर्डर का इक्वेशन हो या तीन ऑर्डर का इक्वेशन हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक्स वाई जेड का जो गुणांक होता है उसको बड़का है, एक्स का जो गुणांक होता है जिसका जिसका मान निकालना होता है उसको बड़का एक्स बराबर के उस तरह वाले को बड़का भी, और फार्मूला आ गया एक्स बराबर ए इनवर्स गुणे बी। इनवर्स अगर निकल गया तो ये चैप्टर में एक्स वाई जेड का मान निकल जाएगा। तो सर सवाल कैसे पूछा जाएगा, तो सवाल चार वेराइटीज में आते हैं, हम बारी बारी से चारों वेराइटीज आपको सिखाएंगे। पहले इसको आप छाप लीजिए, छापने से पहले यहाँ थोड़ा सा स्पेस है वो हम बता देते हैं। एक और आता है कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये क्या हुआ गुरुजी? तो पहले आते आते जो हम पढ़ाए थे कि दसवां क्लास में लुप्तीकरण विधि देखिए चला, विलुप्तीकरण विधि देखिए, उसमें एगो हल आया था ऐसा वाला, देख लीजिए x प्लस वाई बराबर चार, एक्स माइनस वाई बराबर दो, पहला बोर्ड में पढ़ाए थे आते ही मात्र x प्लस वाई बराबर चार, उसमें क्या देखा था, उसमें देखा था कि इसमें x का मान निकला था वाई का मान निकला था, तो कितना निकला था, एगो निकला था, इसमें कितना निकला था, बहुत ही निकला था। तो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन उसी को कहेंगे जिसका एगो हल निकले या बहुत ही हल निकले, तो ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कंसिस्टेंट कहेंगे। इनकंसिस्टेंट बताना पड़ेगा, इनकंसिस्टेंट नाम सही है, माने जिसका हल निकलेगा उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे, चाहे एगो निकले चाहे बहुते निकले। इनकंसिस्टेंट क्या होगा, जिसका एको गो हल नहीं निकलेगा वो क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट। उसको हम लोग डिफिनेशन लिख लेंगे, ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज वन या मोर सॉल्यूशन, एगो हल होगा या अनंत हल होगा। सर इनकंसिस्टेंट क्या होगा, तो ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन, जिसका कोई हल नहीं होगा, जिसका एगो हल होगा या अनंत हल होगा वह क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जिसका एक भी हल नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सर जिसका एक को इसका तो एगो हल हुआ और इसका बहुते हल हुआ तो ये क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट। सर इनकंसिस्टेंट क्या कहलाएगा गुरुजी, एक्स प्लस वाई बराबर दो और टू एक्स प्लस टू वाई बराबर चार, पढ़ाए नहीं आते ही मात्र बताए थे, इसको दो से गुना करेंगे इसको एक से तो क्या होगा, टू एक्स प्लस टू वाई बराबर चार और टू एक्स प्लस टू वाई बराबर चार, खाट खूट है दैया, जिसका मान निकालना था वही मर गया, ना एक्स का मान निकलेगा ना वाई का मान निकलेगा, तो यह क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अब आपको हम टाइप ऑफ क्वेश्चन करवाएंगे, पहले एक बार दो मिनट के अंदर में क्या क्या पढ़े उसको रिकॉल कर लीजिए। सर क्या पढ़े, कुछो नहीं पढ़े, शुरू से देख लीजिए, हम चारे गो बात पढ़े। पहला क्या पढ़े, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर हो जाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं होगा।
कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका एगो हल निकले या बहुते हल निकले तो कंसिस्टेंट कहलाएगा, जिसका एको गो हल नहीं निकलेगा इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। सर आ कंसिस्टेंट ये तो पूछ गए कि कंसिस्टेंट क्या है इनकंसिस्टेंट क्या है, कि इसका हल एगो निकलेगा कि अनंत गो निकलेगा, इसका हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसका हल निकलेगा तो क्या क्या निकलेगा वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ। अगले बोर्ड में सिखाएंगे आपको कि हाउ कैन बी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाय यूजिंग मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट टू सॉल्व ए प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, या ऐसे बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो ऊपर क्वेश्चन होते हैं उसको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से कैसे सॉल्व करेंगे वह हम देखेंगे अगले बोर्ड में। पहले इसको आप लोग छाप लीजिए। क्वेश्चन टाइप, टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन, कैसे कैसे किताब वाला क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन टाइप नंबर वन, टाइप नंबर वन में आपको पूछेगा कि टेस्ट कीजिए कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट किताब वाला कहेगा कि अब आप बताइए देख करके इसको कि या कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। एक नंबर का क्वेश्चन होगा, कैसे बनाएंगे x प्लस वाई बराबर टू, टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर फोर, कहेगा कि यह बताइए क्या यह कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है या इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। टेस्ट करना है एक नंबर का, बहुत जल्दी बन जाएगा। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जो एक्स और वाई का गुणांक होगा, एक्स का गुणांक कितना है वन, ये माइनस दीजिए तो एक्स का गुणांक वन है, इसमें वाई का गुणांक कितना है माइनस वन, एक्स का गुणांक कितना है दो, वाई का गुणांक कितना है तीन, और बड़का एक्स क्या होता है जिसका मान निकालना है, तो किसका मान निकालना है एक्स और वाई का, बराबर के उस तरफ वाले को क्या कहेंगे बी, तो बी का मान क्या हो जाएगा दो और चार। किताब वाला कहेगा कि ये बताइए कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट क्या होगा, दो ऑर्डर का ए गुने तीन माइनस दो गुने माइनस वन, तो क्या हो जाएगा तीन माइनस माइनस प्लस, दो एकम दो, तीन में दो को जोड़ेंगे तो पाँच, यह क्या डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर आया, नहीं आया। डिटर्मिनेंट अगर जीरो के बराबर नहीं आएगा, डिटर्मिनेंट मूर्खावा भाषा में समझिए, कंसिस्टेंट को ऐसे बताए थे जिसका एक हल होगा या अनंत हल होगा तो वो कंसिस्टेंट होगा, और मूर्खावा भाषा में ऐसे बोलेंगे डिटर्मिनेंट यदि जीरो के बराबर नहीं होता है तो वो कहलाएगा कंसिस्टेंट, और डिटर्मिनेंट यदि जीरो के बराबर हो जाता है तो वो कहलाएगा इनकंसिस्टेंट। बारहवीं क्लास तक का ये, फिर आगे के लिए ये फंडा गलत हो जाएगा, उसके लिए बहुत भयंकर ज़्यादा प्रोसेस है, वो क्लास में बताएंगे। अभी ऐसे याद रखिएगा जो 12 क्लास का जो भी क्वेश्चन होगा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करना है, तो डिटर्मिनेंट यदि जीरो के बराबर नहीं आया तो कंसिस्टेंट, डिटर्मिनेंट यदि जीरो के बराबर आ गया तो इनकंसिस्टेंट। ये ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रिक है, पाँच नंबरी के लिए हमको पूरा बनाना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाते हैं कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट पे। डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं आया था कंसिस्टेंट, और डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर आ गया तो इनकंसिस्टेंट। एक सवाल और देखेंगे इनकंसिस्टेंट पे बेस्ट होगा, एक्स प्लस वाई बराबर टू और टू एक्स प्लस टू वाई बराबर फोर, तो क्या हो जाएगा ए का वैल्यू हो जाएगा कितना, एक्स का गुणांक है वन, वाई का गुणांक वन, x का गुणांक दो, y का गुणांक दो, इसका डिटर्मिनेंट निकालो क्या हो जाएगा कोना का निगुना, दो को एक से गुना करेंगे तो दो, और माइनस दो को एक से गुना करेंगे तो दो, दो में से दो गया तो जीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान जीरो आ गया, इसका मतलब क्या हो गया यह क्या कहलाएगा इनकंसिस्टेंट।
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट जीरो के बराबर आ गया और ये क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम लोगों ने पहला वेराइटी देख लिया कि कंसिस्टेंट कैसे निकालेंगे, इनकंसिस्टेंट कैसे निकालेंगे। दूसरा वेराइटीज, अगर कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट मतलब इसका एगो वैल्यू निकलेगा या बहुते वैल्यू निकलेगा, अगर कंसिस्टेंट है तो वैल्यू निकाले, यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। पहले इसको नोट कर लीजिए, एक्सरसाइज होमवर्क में है 4.6, ये बनाना है HW होमवर्क। सवाल हम दिखा रहे हैं 5x प्लस अप 2y बराबर 4, 7x प्लस 3y बराबर 5। किताब वाला कह रहा है कि अब कंसिस्टेंट चेक नहीं करना है, कि अगर कंसिस्टेंट है तो इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व मतलब स्मॉल एक्स स्मॉल वाई का वैल्यू निकालिए। गौर से देखिएगा, VVI टाइप होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। सबसे पहले ए एक मैट्रिक्स बनाएंगे। ए एक मैट्रिक्स कैसे बनेगा, एक्स का गुणांक और वाई के गुणांक को क्या कहेंगे, बरका ए। तो ए एक्स का गुणांक कितना है 5, वाई का गुणांक कितना है 2, एक्स का गुणांक कितना है 7, वाई का गुणांक कितना है 3। किसका मान निकालना है, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई का, तो इसको कहेंगे बरका एक्स। इसमें एक्स और वाई का मान निकालना है। बराबर के उस तरफ वाले को क्या बोलेंगे, बी मैट्रिक्स। यह हो जाएगा 4 और 5, बराबर के उस तरफ हो गया 4 और 5। अब देखिए इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे कि भाई इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 5, 2, 7, 3। 5 को 3 से गुना कर दीजिए, 5 दिया के 15 और 7 को 2 से गुना कर दीजिए, प्राइमरी डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल। तो 5 दिया के 15 माइनस 14 बराबर 1। तो हमारा डिटर्मिनेंट का मान निकल गया, कितना के बराबर आ गया, यह हो गया हमारा 1 के बराबर। अब हमें किसका मान निकालना है, एक्स और वाई का। एक्स और वाई का जो मान निकालना है, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, एक्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स गुने बी। तो एक्स का तो मान मालूम है हमें, एक्स और वाई, बी का मान मालूम है 4 और 5। केवल एक मान निकालना है, इनवर्स। पिछला चैप्टर में इनवर्स पढ़ा दिए हैं, जो लोग पिछला चैप्टर में नहीं पढ़ पाए हैं इनवर्स, वो पढ़ लीजिए अभी। इनवर्स को निकालने के लिए ए इनवर्स का क्या फार्मूला बताए थे, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का भी मान पता है गुरुजी, केवल एडजॉइंट का मान नहीं मालूम है। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, वीडियो में देख लीजिएगा, जो लोग नहीं देखे हैं तो अभी यहाँ सीख जाइएगा, बहुत आसान है। सबसे पहले एडजॉइंट निकालने के लिए उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकाल लीजिए। तो कोफैक्टर का फार्मूला क्या हो जाएगा, ए आई जे बराबर -1 to the power i + j गुने एम आई जे। तो ए 1 का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा, -1 to the power 1 + 1 गुने एम 1 -1 के पावर, एक में एक को जोड़ेंगे तो 2। M11 का मतलब 11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका माइनर निकालना है। तो बोले थे दो ऑर्डर का अगर डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स निकालना है, दो ऑर्डर के डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स में माइनर निकालना है, इसका माइनर निकालना है तो यह होगा, इसका निकालना है तो यह होगा, इसका निकालना है तो यह होगा, इसका निकालना है तो यह होगा। हमको इसका माइनर निकालना है तो क्या हो जाएगा, 3। -1 के पावर 2 मतलब सम संख्या, इसका मान +1 × 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3। A11 का मान निकल गया, A12 का मान कैसे निकालेंगे गुरुजी, A12 का मान
माइनस वन के पावर वन प्लस दो गुने एम वन दो माइनस वन के पावर थ्री। एम वन दो का मतलब क्या हो जाएगा, पहला रो दूसरा कॉलम, इसका माइनर निकालना है तो ये इसके सामने क्या है सात, या ऐसे भी बताए थे जिसका माइनर निकालना है उसके सामने का रोड जाम, सामने का रोड जाम क्या बच जाएगा सात। माइनस वन के पावर क्या है तीन, तीन सम संख्या या विषम संख्या, विषम संख्या कैसे समझे गुरुजी, दो से नहीं कटेगा इसीलिए विषम संख्या। और माइनस वन के पावर विषम संख्या अगर है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस वन गुने सात, माइनस वन को सात से गुना करेंगे माइनस सात। ग्यारह निकाल लिए बारह निकाल लिए इक्कीस का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा माइनस वन के पावर दो प्लस वन गुने एम टू वन, माइनस वन के पावर तीन एम दो वन का मतलब जिसका माइनर निकालना ये रोड जाम, ये रोड जाम क्या हो जाएगा दो। माइनस वन के पावर तीन मतलब विषम संख्या, इसका मान माइनस वन गुने दो बराबर माइनस दो, ए टू टू बराबर माइनस वन के पावर दो प्लस दो गुने एम दो दो, माइनस वन के पावर चार एम दो दो का मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉल्यूम, ये हो गया फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉल्यूम सेकेंड कॉल्यूम, इसका माइनर निकालना है तो इसका माइनर डायरेक्ट बोल सकते हैं इसके सामने वाला, या जिसका माइनर निकालना है उसका सामने का रोड जाम, सामने का रोड जाम क्या बच जाएगा पाँच। माइनस वन के पावर चार, माइनस वन के पावर चार मतलब सम संख्या, प्लस वन गुने पाँच इसका वैल्यू हो जाएगा पाँच। अब सबसे पहले को फैक्टर निकाल लीजिए, उससे एक मैट्रिक्स क्या बनाएंगे बी, लेकिन बी नहीं बनाएंगे, बी पिछला चैप्टर में बनाते थे जब बी नहीं दिया रहता था, इस चैप्टर में बी क्या होता है बराबर के उस तरह वाला, तो बी के बदला में सी बनाएंगे, सी एक मैट्रिक्स बनाएंगे जो को फैक्टर ऑफ ए से मिलकर बना है। तो को फैक्टर ऑफ ए क्या हो जाएगा बताइए, को फैक्टर ऑफ ए क्या हो जाएगा, ग्यारह का मान कितना है तीन, बारह का मान माइनस सात, इक्कीस का मान कितना है माइनस दो, बाईस का मान है पाँच। सबका को फैक्टर निकाल लिए, अब इसका ट्रांसपोज कर दीजिए सी डैश या सी के पावर टी। ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे कोई बोलेगा, काट देंगे, ट्रांसपोज का मतलब सुतलावा को उठा दीजिए या उठलावा को सुता दीजिए, सुतलावा मतलब रो और उठलावा मतलब कॉल्यूम, तो रो को कॉल्यूम में बदल दीजिए या कॉल्यूम को रो में बदल दीजिए। इतना पहले आप लोग छाप लीजिए, इधर वाला पोर्शन आ रहा है क्या, यहाँ आ रहा है ये वाला, देखो चला इसका ट्रांसपोज करेंगे, पहले आप लोग इसको छाप लीजिए। तो हम लोग सीखें इस चैप्टर में डिटरमिनेंट का, डिटरमिनेंट की सहायता से एक्स और वाई का मान निकालना। सबसे पहले ए एक मैट्रिक्स बना लिए, एक्स एक मैट्रिक्स निकाल लिए जिसका मान निकालना है, बी किसको बोले बराबर के उस तरह वाले, इसका डिटरमिनेंट निकाल लिए, जीरो के बराबर नहीं था तो सबसे पहले क्या किए इसका कोफैक्टर निकाल लिए, कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाते बी, लेकिन बी नहीं बनाएंगे क्या बनाएंगे सी। क्यों बनाएंगे सी, क्योंकि बी तो दे दिया है किताब वाला, बराबर के उस तरह वाले को बी कहा जाता है इस चैप्टर में, तो हम बनाएंगे सी, उसका ट्रांसपोज कर लेंगे, तो ट्रांसपोज कर लेंगे तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा इसका, इसको मिटा दिए देते हैं, ये आप लोग छाप लिए होंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा कितना के बराबर हो जाएगा, ट्रांसपोज निकालिए सी ट्रांसपोज या सी डैश, यह बराबर हो जाएगा तीन माइनस सात रो में है तो इसको कॉल्यूम में बदल लीजिए, तीन माइनस सात माइनस दो और पाँच रो में है तो इसको कॉल्यूम में बदल लीजिए, माइनस दो और पाँच माइनस दो और पाँच, तो ये रो को कॉल्यूम में बदल लिए, इसी का नाम होगा एडजॉइंट ऑफ ए, तीन माइनस दो माइनस सात और पाँच। फार्मूला क्या था, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बट डिटरमिनेंट ऑफ ए,
तो ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिए हैं, 3 - 7 - 2 और 5, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 1, तो ए इनवर्स का मान 3 - 7 - 2 और 5। सवाल फार्मूला क्या था रे चेला, x बराबर ए इनवर्स ऑफ बी, x का मान कितना x और y, इनवर्स का मान कितना 3 - 7 - 2 और 5। अब b का मान देखो, b का मान कितना था बराबर के उस तरफ वाले, b का मान था 4 और 5, तो b का मान यहाँ पुट कर देंगे 4 और 5। बच्चा बच्चा गुना करना जानता है, गुना कैसे करेंगे गुरुजी, तो गुना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले देखेंगे थर्मामीटर लगा, 2 गो सुतला वाला, 2 गो उठला वाला, 2 × 2, 2 गो सुतला वाला, 1 गो उठला वाला, इसका उठलावा इसके सुतलावा से मैच कर रहा है, इसका मतलब गुना संभव होगा, गुना संभव होगा। तो गुना कैसे करेंगे गुरुजी, गुना कर दीजिए 2 3 को 4 से, अब प्लस तो प्लस, -2 को 5 से, इधर हो जाएगा -7 को 4 से गुना कर दीजिए, प्लस 5 को 5 से, तो क्या हो जाएगा x और y, क्या हो जाएगा 3 चौके 12 और -5 × 10, 7 चौके 28 प्लस अब 25 x और y, तो यह हो जाएगा 12 में से 10 गया तो 2 और 25 में से 28 गया तो -3, इसीलिए क्या हो जाएगा x का मान 2 और y का मान -3, यही क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। अब आप लोग दो ऑर्डर का जितना भी प्रॉब्लम रहेगा वो सब को ढक ढका दीजिए, हम लोग देखेंगे 3 ऑर्डर का, और आप लोगों को एक्सरसाइज में जो भी किताब आ रहे सवाल KCC NCERT सब का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को दकर दीजिए, मिलेंगे अगले क्लास में, पहले हम 3rd ऑर्डर का देखेंगे, इसको छाप लीजिए, बस 5 मिनट लगेगा। 2x + y + z = 1, x - 2y - z = 3/2, और 3y - 5z = 9, ये हमारा 3rd ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, 3rd ऑर्डर में सॉल्व कर रहा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो गुरुजी आपने बताया ए एक मैट्रिक्स होगा जो क्या होगा एक्स वाई जेड का गुणांक, एक्स एक मैट्रिक्स होगा, किसका किसका मान निकालना है एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड लिख दिए। बी क्या होगा बताओ चला, बी बराबर के उस तरह वाला मैट्रिक्स 1 3/2 और 9, बी का मान निकाल लिए। ए का मान क्या होगा, एक्स का गुणांक है 2, वाई का गुणांक है 1, जेड का गुणांक 1, एक्स का गुणांक 1, वाई का गुणांक -2, जेड का गुणांक -1। जा इसमें एक्स तो हबे नहीं है सर, एक्स नहीं रहे तो अपना मन से इसको लिख सकते हैं 0 × x, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, निश्चित रूप से लिख सकते हैं 0 × x, क्योंकि 0 एक बम है, बम के साथ जो लगेगा वो हो जाएगा ख़त्म, तो 0 × x, एक्स का गुणांक क्या है 0, तो 0, वाई का गुणांक क्या हो जाएगा 3, जेड का गुणांक हो जाएगा -5। अब क्या निकालना है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान, कई ऑर्डर का है 3 ऑर्डर का है, घबराएंगे क्या, 3 ऑर्डर का सिखाए नहीं है, कैसे निकालेंगे, 2 को पकड़ेंगे, ट्रैफिक हवलदार ए रुक जाओ, ये रोड जाम, जिसका मान निकालना है उसके सामने का रोड जाम, क्या हो जाएगा -2 - 1 - 3 - 5, बीच में प्लस की माइनस, 1 को पकड़ेंगे तो ये रोड जाम, क्या हो जाएगा 1 - 0 - 1 - 5, प्लस 1 को पकड़ेंगे तो ये रोड जाम 1 - 0 - 2 और 3। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा 2 - 2, -2 को -5 से तो क्या हो जाएगा 10, -3 को -1 से गुना कर देंगे, -1 को -5 को 1 से तो -5। रुको कुछ बच्चे को इसमें प्रॉब्लम था, 3rd ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में -2 को -5 से गुना कर दिए और -3 को गुना कर दिए -1 से, एक पार्ट -1 इसको गुना कर देंगे -5 को 1 से, 0 को -1 से,
और प्लस वन को तीन को गुणा कर देंगे जीरो को माइनस दो से, तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा दो, तो दो हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, पाँच दूनी के दस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दस तीन माइनस वन माइनस पाँच, जीरो के साथ लगेगा तो क्या हो जाएगा जीरो, प्लस वन इधर हो जाएगा तीन और जीरो के साथ लगेगा तो जीरो, तो यह हो जाएगा तीन माइनस जीरो। इसको और बढ़िया से सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा दो गुने दस में तीन को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा तेरह, अब माइनस वन को माइनस पाँच से तो यह हो जाएगा, प्लस वन को तीन से तो क्या हो जाएगा तेरह दुनी के छब्बीस और प्लस पाँच और प्लस तीन, छब्बीस और तीन उनतीस, तीस और चार चौंतीस। डिटर्मिनेंट निकाल लिए, अब क्या निकालना है कोफैक्टर, कोफैक्टर का फार्मूला क्या हो जाएगा ए आई जे बराबर माइनस वन के पावर आई प्लस जे गुने एम आई जे, तो अगर ए वन वन का मान निकालेंगे माइनस वन के पावर वन प्लस वन गुने एम वन वन, तो ये क्या आ जाएगा वी वी आई क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएंगे तो पाँच नंबर कैरी करेंगे, फाइव मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे। एक ही सवाल में हमने क्या देखा, तीन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट देखा, कोफैक्टर देखा, माइनर देखा, इनवर्स देखेंगे और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देखेंगे। एक ही सवाल में चार से पाँच सवाल को करेंगे, इसलिए ये वी वी आई चैप्टर होता है, वी वी आई चैप्टर है ये क्लास 12 लेवल के लिए। अगर इसका क्या निकालना, माइनस वन के पावर वन प्लस वन, तो माइनस वन के पावर दो, एम वन वन का मान निकालना है, इसका माइनस निकालना, तो ये रोड जाम ये रोड जाम, क्या बच जाएगा माइनस दो तीन माइनस वन माइनस पाँच, माइनस वन के पावर दो सम संख्या प्लस वन, माइनस दो को गुना करेंगे माइनस पाँच से, माइनस तीन को गुना करेंगे माइनस वन से, तो प्लस वन यह हो जाएगा दस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दस और तीन कितना हो जाएगा तेरह, तो यह हो जाएगा तेरह को एक से गुना करेंगे तो तेरह, ये वन वन का मान निकल गया। अब तीन ऑर्डर का है तो इसमें कितने को फैक्टर निकलेंगे, नौ, तो नौ हम निकालेंगे नहीं, नौ आपको खुद से निकालना है, हम निकाल करके रखे हैं उसको लिख रहे हैं, आप लोग देखिएगा क्या हो जाएगा। ये सवाल था हमारा, यह ए वन वन का मान कितना निकाला तेरह, ए वन टू का मान ये दिख रहा है क्या है, इधर दिख रहा है ये ए वन टू दिख रहा है, ए वन टू का मान निकालेंगे तो यह आ जाएगा पाँच, ए वन थ्री का मान निकालेंगे तो यह आ जाएगा थ्री, ए टू वन का मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा आठ, ए टू टू का मान निकालेंगे तो माइनस दस, ए टू थ्री का मान निकालेंगे तो माइनस छः, ए थ्री वन का मान निकालेंगे तो वन, ए थ्री टू का मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा, ए थ्री टू का मान हो जाएगा थ्री, ए थ्री थ्री का मान हो जाएगा माइनस पाँच। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या कर लेना है, सबका को फैक्टर निकाल लेना है, नौ को फैक्टर आ जाएगा, इससे एक मैट्रिक्स सी बना लेना है, को फैक्टर ऑफ ए, ए से ए के को फैक्टर से एक मैट्रिक्स सी, ए वन वन का मान कितना था तेरह, ए वन टू का मान पाँच, ए वन थ्री का मान थ्री, ए टू वन का मान आठ, ए टू टू का मान माइनस दस, माइनस छ, वन थ्री माइनस फाइव, इसी को क्या बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए हमारा निकल गया तेरह आठ वन, पाँच माइनस दस तीन, तीन माइनस छ माइनस पाँच, एडजॉइंट निकल गया। अब कैसे करेंगे आगे का कहानी देखेंगे अगले बोर्ड में, इसको पहले छाप लीजिए, बस दो मिनट लगेगा। सी बनाए कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए निकाल लिया, इसका क्या करेंगे ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब सी डैश या सी के पावर टी, रो को कॉल्यूम में, तो क्या हो जाएगा तेरह आठ और वन, पाँच माइनस दस और तीन, तीन माइनस छ माइनस पाँच, इसका डैश कर देंगे तो मतलब क्या हो जाएगा रो बदलता, इसी को क्या कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, तो यह हो जाएगा तेरह पाँच तीन आठ माइनस दस माइनस छः, रो कॉल्यूम में बदल गया वन थ्री माइनस फाइव, एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया,
एक्स बराबर फार्मूला होता है, तो इन्वर्स क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स बराबर हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बट डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट का मान 13, 5, 3, 8 - 10 - 6, 1, 3 - 5 बट डिटरमिनेंट का मान 34, इसीलिए ए इन्वर्स का मान 1/34 क्या हो जाएगा 13, 5, 3, 8 - 10 - 6, 1, 3 - 5। अब किसका फार्मूला निकाल लेंगे, एक्स का, एक्स बराबर ए इन्वर्स ऑफ बी, बारीकी से करना पड़ेगा, ये थोड़ा लंबा सा है, घबराने का नहीं, एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा 1/34, इन्वर्स का मान क्या हो जाएगा 13, 5, 3, 8 - 10 - 6, 1, 3 - 5। अब बी का मान निकालना है, बी का मान क्या हो जाएगा चला, बी का मान हो जाएगा क्या था बराबर के उस तरफ 1, 3/2 और 9। बच्चा बच्चा जानता है तीन गो सुतला वाला है, तीन गो उठला वाला है, 3 × 3 तीन गो सुतला वाला है, एक गो उठला वाला है, 3 × 1 गुना करिए एक्स वाई जेड 1/34 यह हो जाएगा 13 को 1 से गुना करेंगे तो 13, 8 को 3/2 से गुना करेंगे 1 को 9 से गुना करेंगे 5 को 1 से गुना करेंगे -10 को 3/2 से गुना करेंगे 3 को 9 से गुना करेंगे 3 को 1 से गुना करेंगे -6 को 3/2 से गुना करेंगे 5 को 9 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड 1/34 यह हो जाएगा 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6 इसको कैलकुलेशन कीजिए तो 13 × 4 = 17, 17 + 9 को जोड़िएगा तो 17 + 9 कितना हो जाएगा चला, 17 को 9 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 13 + 12 + 9 यह हो जाएगा 13 × 4 = 12 तो 12 + 8 = 21, 21 × 13 = 34 यह कितना हो जाएगा 5 × 9 = 27 तो 27 + 5 = 32 अब 32 में से 5 = 15 गया तो यह हो जाएगा 17 यह हो जाएगा 3 - 3 = 9, 9 × 5 = 45 45 + 9 = 54, 54 में से 3 = 51 यह हो जाएगा -51 इसीलिए x बराबर हो जाएगा 34 अब ये बट्टा पर 34 ऐसे भी कर सकते हैं एक्स वाई चेक ये आपका अच्छा हो जाएगा 34/34 यह हो जाएगा 17/34 - 51/34 ये 34 से 34 कैंसिल 17 × 34 = 51, 17 × 3 = 34 x = 1, y = 1/2 z = -3/2 यही क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। आगे का कहानी देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए मैथमेटिक्स ऑपरेशन पे, मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए अलविदा, देखते रहिए मैथमेटिक्स ऑपरेशन।